हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एसीआई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहां पर प्रैक्टिकल्स के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या की तरफ से। जितने भी बीए बीएससी बीकॉम और साथ साथ यहां पर एमएमएससी एमकॉम के छात्र छात्रा है, आप सभी के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है प्रैक्टिकल्स के संबंध में। नई अपडेट क्या है, सबसे पहले डेट आप देख लीजिए, 24/8/2023 यानी कि बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट अवेलेबल है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, पूरी अपडेट क्या है, आप सभी लोग अगले 1 से 2 मिनट में बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा ताकि आप सभी से महत्वपूर्ण सूचना जो है वो छूट ना जाए, आप सभी से मिस ना हो पाए। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर बायो विद एसीआई चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो में कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो पूरी वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो प्रेस विज्ञप्ति विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है प्रैक्टिकल के संबंध में, ये यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वार्षिक पद्धति के जो बच्चे थे यानी कि बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर और साथ साथ एमएमएससी एमकॉम फाइनल के जो बच्चे थे और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे वार्षिक पद्धति में यानी सेमेस्टर मोड के लिए नहीं है, उनकी अगर प्रैक्टिकल्स के एग्जाम छूट गए थे तो उनको एक बार यहां पर अंतिम रूप से मौका दिया गया है। और यहां पर परीक्षा केंद्र घोषित कर दिए गए हैं, किस विषय की परीक्षा प्रैक्टिकल की कहां पर होगी जो छूटी हुई है, कितनी तारीख को होगी, पूरी टेबल यहां पर जारी कर दी गई। जैसा कि आप देख रहे हैं 8 सितंबर से आप सभी के प्रैक्टिकल्स एग्जाम जो छूटे हुए हैं वो फिर से यहां पर कराए जाएंगे। और यहां पर 8 सितंबर और 9 सितंबर और 10 सितंबर और 11 यानी कि 8, 9, 10, 11 चार दिन में आप सभी के छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। तो सिर्फ यहां पर किन किन बच्चों के एग्जाम कहां पर होंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए, जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उन सभी का जो पेपर है वो नंदिनी नगर पीजी कॉलेज नवाबगंज गोंडा में उनका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम छूटा हुआ होगा। तो आप किसी भी जिले के हों, अगर आप एजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहां पर पहुंचना होगा 8 तारीख को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप बायोकेमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, सैन्य विज्ञान या फिर हिंदी या उर्दू की अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम छूटे हैं तो आपको साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या पहुँचना होगा 8/9/2023 को। और साथ साथ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिक, कंप्यूटर, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, चित्रकला, सीड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी, बीपीई, शिक्षा शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, इन सभी में से अगर किसी विषय का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम छूटा है तो आपको 9 सितंबर को पहुंचना होगा साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या। और साथ साथ अच्छी तरह से अगर इन्वायरमेंटल साइंस की बात की जाए, जूलॉजी की बात की जाए, होम साइंस की बात की जाए, साथ साथ यहां पर होम साइंस विज्ञान संकाय में बात की जाए, राजनीति शास्त्र की बात की जाए, समाज शास्त्र, समाज कार्य, दर्शन शास्त्र, एम कॉम, ऑफिस मैनेजमेंट, इन सभी का जो छूटा हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 10 तारीख को होगा, 10 सितंबर को होगा साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में। और लास्ट में भूगोल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और संस्कृत का छूटा हुआ जो प्रैक्टिकल है वो 11/9/2023 को होगा साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में। जिसमें आप सभी इस कॉलेज में पहुँचेंगे जो डेट बताई गई उसी डेट को। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा, सबसे पहले आप अपने कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर कन्फर्म करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो छूटा हुआ है और वहाँ पे आप सभी को अपसेंट किया गया था, उसके बाद ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे। जिसमें लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थियों की वर्ष 2023 की प्रायोगिक या मौखिक परीक्षा छूट गई है वे परीक्षार्थी उपयुक्त विस्तृत परीक्षा कार्यक्रमानुसार जो भी निर्धारित परीक्षा केंद्र है वहाँ पर उपस्थित होंगे। और इसके बाद जो है आप सभी का छूटा हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कराया जाएगा, ये अंतिम मौका है। और इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उन्हीं को दी जाएगी जिनका प्राचार्य द्वारा अग्रसाथी आवेदन पत्र होगा और विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेश पत्र है वो भी होगा। और साथ साथ जो है यहाँ पर छूटी परीक्षा शुल्क स्नातक स्तर पे 1000 रुपया और परास्नातक स्तर पे 1500 रुपया ऑनलाइन शुल्क आपको जमा करना होगा। और उसकी रसीद को लेकर जो है आपको जो है वहाँ पहुँचना होगा और अपने कॉलेज से एक एप्लीकेशन लेकर प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवा के वहाँ पर पहुँचना होगा, तभी आपका प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम छूटा हुआ है वो आप सभी का हो पाएगा। तो इसी संबंध में कोई भी अपडेट और जानने के लिए, कोई भी डिटेल जानने के लिए आप सभी कमेंट करिएगा, साथ साथ अपने कॉलेज से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।